जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज था हमारा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी और कल होने वाला है हमारी निफ्टी 50 का एक्सपायरी। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हमको बिल्कुल साइडवेज देखने के लिए मिला। बैंक निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन ज्यादा बड़े मोमेंटम नहीं आए, हमारा मार्केट यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड होता हुआ हमको नजर आया। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे हाई चांसेस बन जाते हैं कि कल के दिन निफ्टी 50 के एक्सपायरी हमको एक ट्रेंडिंग देखने के लिए मिले और वहां पे हमको अच्छे अच्छे मोमेंटम और अच्छे अच्छे सेटअप देखने के लिए मिले। नमस्कार दोस्तों, तो फिर कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मार्केट में हमारी कल के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए और आज जो भी हमारी मार्केट के अंदर के मोमेंटम आए थे उनके पीछे के लॉजिक क्या क्या थे। सबसे पहले गाइस आप लोग यहाँ पे चीज देखो कि हमारी मार्केट में, ये बात मैंने आपको कल बताई थी कि जब तक हमारा मार्केट इस लेवल के ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा है हम लोग यहाँ पे मार्केट को बुलिश देखने वाले हैं। दिक्कत तब बनेगी जब हमारा मार्केट यहाँ पे इस लेवल के नीचे ट्रेड होना स्टार्ट होगा। और आज के दिन हमारी मार्केट में सबसे बुरी बात यह होती है कि ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से आज हमको एक गैप डाउन देखने के लिए मिलता है और गैप डाउन भी हमारा यहाँ पे नीचे ओपन होता है 51,500 के। और 51,500 का लेवल हमारे सामने बहुत ही बेहतरीन एक रिजेक्शन जोन बन के आता है, पर हमारी मार्केट यहाँ पे इस वाले लेवल पे संभल जाके अपने आप को यहाँ पे संभाल के रख लेती है। तो अब हमारी कल के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहली बात गाइस आप लोग यहाँ पे एक बात नोटिस करो कि हमारी जो मार्केट है वो यहाँ पे चार दिन से गाइस हमारा मार्केट यहाँ पे एक रेंज को ट्रेड कर रहा है, जो कि गाइस रेंज हमारी यहाँ बनती है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे 500 पॉइंट की रेंज है और हमारा मार्केट 4 दिन से इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, यानी कि मंडे ट्यूजडे वेनसडे हमारी मार्केट ने इसी रेंज में ट्रेड किया है। तो जब तक हमारा बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा बड़े मोमेंटम नहीं आएंगे। हाँ, हालांकि अगर हमारा मार्केट यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करता है तो 52,000 तो आएगा ही आएगा, बट आने वाले टाइम में हमको यहाँ पे 52,500 का लेवल भी ऊपर की साइड देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि जितनी बड़ी ये रेंज को ब्रेक करेगा उतनी बड़ी रेंज का हमको टारगेट देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं एक घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके कि मार्केट में हमारी में क्या प्लानिंग थी और क्या हमने यहाँ पे प्लान बनाए थे। तो गाइस सिंपल सी बात यह है कि हिट दी लाइक बटन, अगर आप लोग मेरी वीडियोज को रोज देख रहे होंगे तो आपकी यहाँ पे नॉलेज काफी इंप्रूव हो रही होगी धीरे धीरे। एक ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने डिस्कस करा था कि भाई हमारा जो बैंक निफ्टी है एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और इस ट्रेंड लाइन पे हमारा मार्केट यहाँ पे बार बार सपोर्ट लेता है और ये ट्रेंड लाइन हमारी बनती है एक घंटे के टाइम फ्रेम पे आके। तो आज की जो हमारी मार्केट थी वो मार्केट हमारी आज की ये रही थी, ये हमारी मार्केट सारी की सारी हमारी मार्केट यहाँ पे साइडवेज थी, बड़े मूवमेंटम हुए नहीं थे और हमारी मार्केट प्रॉपर तरीके से आज इस ट्रेंड लाइन के साथ ही खेलती रही। कभी इसके ऊपर ट्रेड कर रही है तो कभी इसके नीचे ट्रेड कर रही है। हमारी मार्केट यहाँ से कोई बड़ा मूवमेंटम कैच नहीं करवा पाई, ना ही यहाँ से वो ट्रेड कर पाई। तो इस सबके बीच में हमारे लिए गाइस सबसे जरूरी जोन यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो जाता है जहां से हमारी मार्केट ने आज बराबर तरीके से रिजेक्शन खाया है। लेवल कौन सा है? 51,500। हमारी मार्केट ने यहां से पहले भी रिजेक्शन खाए हैं, कल मार्केट में बहुत बढ़िया बाइंग की स्ट्रेंथ आई थी पर गैप डाउन खुलने की वजह से यहां से मार्केट में पैनिक सेलिंग आई, क्योंकि जो लोग यहां से बाइंग करके गए थे उन लोगों को यहाँ पे गैप डाउन मिला जो कि उनके सरप्राइजेबल मूवमेंटम था, फिर उन लोगों ने यहां से अपनी पोजीशंस को सेल करना स्टार्ट करा। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग बहुत सिंपल है, अगर हमारा मार्केट यहाँ पे इस 252 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की साइड आएगा सेलिंग प्लान करनी है और 51,000 का लेवल हमारे यहाँ बनेगा पहला टारगेट, ठीक है। और अगर हमारा मार्केट यहाँ पे इस रेंज में घूमता है कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है, या फिर अगर हमारा मार्केट यहां से ब्रेक करके ऊपर निकलता है बाइंग प्लान करनी है, 750 का लेवल बनेगा हमारा पहला टारगेट, फिर बनेगा 52,000 का लेवल बनेगा हमारा यहाँ पे दूसरा टारगेट। नीचे टारगेट को हमारा कौन सा है यहाँ पे 51,000 का लेवल, ठीक है, और ऊपर टारगेट हमारा कौन सा है यहाँ पे 52,000 का लेवल। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, वहां जाके ट्रैक करते हैं कि मार्केट में हमने कल के लिए क्या प्लान रखने हैं। सबसे पहली बात गाइस आज के जो मार्केट में ये मूवमेंटम हुआ था यानी कि जो गैप डाउन ओपन हुआ था ये सबकी उम्मीद से परे था, ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव थे आज आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो आईटी के सेक्टर्स हमारे काफी ज्यादा नेगेटिव हमको देखने के लिए मिले हुए हैं लाइक विप्रो वगैरह, ठीक है। आज हमारी मार्केट में यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है इस वाली रेंज में जहां पे मार्केट में बहुत ही बढ़िया अच्छे लेवल से ब्रेकआउट होता है, पर हमारा मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है ये इस ब्रेकआउट को यहाँ पे खत्म कर देता है। यहाँ पे जो लोग बाइंग करके गए थे उन लोगों ने सेलिंग करना स्टार्ट करा, मार्केट नीचे आया, पर ये वाला लेवल आप लोग देख सकते हो, मैं इसको एक दिन के टाइम फ्रेम से लेके आया हूँ कि हमारी मार्केट में कितना मस्त इंपॉर्टेंट है। तो कल के लिए प्लान क्या है? कल के लिए गाइस आपको एक प्लान बताऊंगा, बहुत सिंपल सा प्लान बताऊंगा, आप लोगों ने उसी प्लान पे काम करना है, ज्यादा हम लोग यहाँ पे मार्केट के एनालिसिस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। एनालिसिस क्या है? ये जो आपके सामने एक रेंज आई है इस रेंज में आपने कुछ भी प्लान नहीं करना है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहेगा क्योंकि जब जब हमारा मार्केट यहाँ पे इस रेंज में आ रहा है तब तब हमारा मार्केट गाइस यहाँ पे साइडवेज ही जा रहा है, बड़े मोमेंटम नहीं दे रहा है। प्लान ये है कि कल के दिन में अगर हमारा मार्केट यहाँ पे 51,500 के लेवल को ब्रेक करता है इस रेंज में कहीं भी ओपन हो के हमने बाइंग में एंट्री प्लान करनी है। 750 का लेवल पहला टारगेट बनेगा, इसके बाद बनेगा 52 का लेवल। अगर हमारा मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करता है पुट में एंट्री प्लान करनी है, पहला टारगेट बनेगा 250 का लेवल और दूसरा टारगेट बनेगा हमारे यहाँ पे 51,000 का लेवल। इफ एनी केस अगर
हमारी मार्केट में गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ कहीं, तो यहाँ कहीं अगर मार्केट में गैप अप ओपन होता है तो हमारा मार्केट यहाँ से गैप को फिल करने के लिए आएगा, फिर हमारा मार्केट यहाँ से रिकवरी प्लान करने की कोशिश करेगा। और अगर हमारी मार्केट में गैप डाउन ओपन हो जाता है इस 250 के लेवल के नीचे नीचे, तो फिर हमारा मार्केट यहाँ से पैनिक सिनेरियो क्रिएट करेगा, फिर हमारा मार्केट यहाँ से नीचे गिरने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट में यहाँ कहीं ओपन होता है तो फिर हमारा मार्केट इस वाले गैप को फिल करने के लिए भी जाएगा जो कि यहाँ पे पेंडिंग छोड़ दिया है। हाई चांसेस तो मार्केट में देखते हैं कि कैसे ओपन होता है, कहाँ ओपन होता है। बट अब हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 में हमने कैसे प्लान बनाना है और निफ्टी 50 को हम लोग यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी 50 का कल एक्सपायरी भी है। सो गाइस निफ्टी 50 भी फिर भी हमारा यहाँ पे स्ट्रेंथ बना के चला था, पर बैंक निफ्टी हमारा यहाँ पे फिर भी साइडवेज ही रहा था। ठीक है, तो गाइस निफ्टी 50 हमारा यहाँ पे कंटिन्यू हमारा निफ्टी 50 यहाँ पे बुलिश था। बट होता क्या है कि आज के दिन हमारी निफ्टी 50 में यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद निफ्टी 50 के पास ये वाला जो जोन है बहुत ही बेहतरीन बेस है हमारी मार्केट में, यहीं से बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हुआ था वन डे के टाइम फ्रेम पे जाके अगर मैं इसको ट्रैक करूंगा। तो अब चलते हैं घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहां जाके चेक करते हैं कि मार्केट में हमारे प्लान क्या होने वाले हैं। गाइस सिंपल प्लान होंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारे प्लान नहीं होने वाले हैं। एक लेवल गाइस हम लोग यहाँ से ये मार्क करेंगे, एक लेवल गाइस हम लोग यहाँ से ये मार्क करेंगे बस। तो कल के लिए प्लान क्या है, कल के लिए अगर हमारा मार्केट यहाँ से 216 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर की साइड निकलता है, आपने कॉल में एंट्री प्लान करनी है। 313 का लेवल हमारा बनेगा यहाँ पे दूसरा टारगेट, पहला हमारा यहाँ पे ये वाला पॉइंट बनेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से गैप को फिल करने का ट्राई करेगा, गैप को फिल करके यहाँ पे ये वेट कर सकता है, फिर हमारा मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा आपने यहाँ पे कॉल में 0 to 0 देखना है, आपने यहाँ पे कॉल में 0 to 0 देखना है, आपने यहाँ पे कॉल में 0 to 0 देखना है। और अगर हमारा मार्केट गाइस यहाँ से इस वाले जोन को 157 के लेवल को मार्केट ब्रेक करके नीचे की साइड आएगा, आपने पुट में एंट्री प्लान करनी है, फिर आपने पुट में 0 to 0 देखना है 25,000 तक के लेवल तक के लिए, जो कि हमारा यहाँ पे ये एक बेस मैंने आपके सामने क्रिएट करके रखा हुआ है। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि हमारी मार्केट में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, वहां जाके आपको एक्जैक्टली मार्केट के मूवमेंटम समझ में आएंगे कि हम लोग यहाँ पे मार्केट में क्या प्लान कर सकते हैं क्या प्लान नहीं कर सकते हैं। सो गाइस 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट हमारे यहाँ पे आने वाला है, थोड़ा सा लोड हो रहा है, शायद लगता है कि इंटरनेट अपना स्लो है उस वजह से यहाँ पे इशू आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, फिर हमारा यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट आएगा जो कि यहाँ पे हमारा टाइम ऑफ चार्ट आ चुका है। तो गाइस यहाँ पे एक लेवल को थोड़ा सा यहाँ से नीचे कर दूंगा, अगर हमारा मार्केट यहाँ पे 154 के ऊपर और 216 के नीचे ओपन होता है तो आपने यहाँ पे मार्केट को बुलिश ही देखना है, फिर हमारा मार्केट यहाँ से बुलिश की साइड जाएगा, निफ्टी 50 313 के लेवल को अप्रोच करने का ट्राई करेगा। मार्केट इसके नीचे आता है मार्केट नेगेटिव होएगा, पहला सपोर्ट 25,100 का लेवल बनेगा, दूसरा बनेगा 25,000 का लेवल। मार्केट में इफ एनी केस की गैप अप ओपन हो जाता है तो मार्केट गैप को फिल करने के लिए आएगा, मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट गैप को फिल करने को ना जाके यहाँ से नेगेटिव होकर 25 के लेवल पर सपोर्ट लेगा। आई होप गाइस आपको यहाँ पे हमारी मार्केट में समझाने की तकनीक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करो, या फिर अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा वीडियो को लाइक करो। 0 to 0 के बारे में बताऊं तो अगर हमारी मार्केट यहां से 12 बजे के बाद ब्रेकआउट देती है कॉल में प्लान कर लेना, ऊपर की साइड निकल जाएगा। अगर 12 बजे के बाद अगर हमारा मार्केट यहां से ब्रेकडाउन देती है पट में प्लान कर लेना, मार्केट हमारा यहां से नीचे निकल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना।